आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया, उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पर कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया, उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पर कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है।